दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलांचो के पौधे के ऊपर कि इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे आती है, कि मैं इसमें ऐसा क्या डालती हूँ जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। आप देख सकते हैं जो मेरा कैलांचो है उसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी है, और इसके पेटल को देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी सी हैं और एक रोज़ की तरह खिला हुआ है। कि मैंने इसमें ऐसा क्या डाला था जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ इस तरह से हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ दोस्तों इस तरह की वीडियो जो कैलांचो के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कैलांचो मेरा एक बहुत ही फेवरेट पौधा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा, उमस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप चाहे छोटे से चाहे वेस्टेज कंटेनर में ही क्यों ना लगाएं, या फिर देख सकते हो वेस्टेज बॉटल में ही क्यों ना लगा लें इस तरह से, तो भी आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगा। और ये भी आप देख सकते हैं मैंने खुद ही DIY करके जो ये प्लांटर बनाए थे, ये खुद बनाए थे, और इसमें देख सकते हो आप फूलों की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और जो ये वाला है, ये वाला भी मैंने वेस्टेज कंटेनर में ही लगाया है। आप देख सकते हैं प्लांट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इन प्लांट को मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ था। क्योंकि अगर आपके पास कैलांचो का पौधा 1 ईयर ओल्ड होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि उसमें एक अजीब सा कीड़ा पनपने लगा था कि जो अब हमारे जो प्लांट को जड़ से ही खाने लग गया था दोस्तों। तो उसको उसने जो इसके जो जितने भी मदर प्लांट थे उसने सभी खा लिए जड़ से ही, मतलब पूरा प्लांट उसकी रूट्स तक भी उसने खा ली थी। वो अंदर ही अंदर आता है और उसने सारे पौधे मेरे खा लिए थे। लेकिन ये कुछ कटिंग थी, इनमें भी थे, लेकिन मैंने जब तक देखा तो उनको फिर मैंने निकाल दिया था। ये वो लीव्स के अंदर भी होते हैं। मैंने एक दिन शायद वीडियो डाली थी कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो कैसे हमारे जो लीव्स के अंदर रहता है, और इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आपके पौधे में कीड़ा ना हो। तो बात करते हैं कि हम इसमें क्या डालते हैं, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर दें जिसकी वजह से जो हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करे। तो दोस्तों, मैंने इसमें जो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उस टाइम मैंने इसमें जो हमारी चाय पत्ती होती है वो दी थी इसके अंदर, उसका पानी दिया था मैंने इसके अंदर स्टार्टिंग में। तो चाय पत्ती हमारी जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बनाती है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद मैंने दोस्तों इसमें थोड़े से DAP और फॉस्फोरस जो होता है वो इसके अंदर हल्का सा ऐड कर दिया, तो जिसकी वजह से आपको मैं ये दिखाती हूँ। जब मैं नर्सरी वाले भी दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो उन्होंने हमेशा ही DAP ऐड करके रखी होती है अपने पौधे जो प्लांट होता है, क्योंकि उनको ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए होती है, जिससे कि क्या होता है कि उनका जो प्लांट है वहाँ से बिक जाए। क्योंकि लोग ज़्यादातर देखते हैं कि प्लांट कैसा है, कंडीशन कैसी है। हम लोग भी अगर नर्सरी जाते हैं तो हम देखते थे अच्छा उसके अंदर काफ़ी अच्छी वर्ड्स बनी हुई है, तो हम लोग उसको झट से ले आते हैं। तो इसीलिए तो नर्सरी वाले तो उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी उसमें DAP की मात्रा ऐड कर लेते हैं। और दोस्तों, आप चाहे इसमें घर में जो हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी हमारे पौधे के लिए। उसके अलावा दोस्तों, मैं इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें डालती रहती हूँ हर 15 दिन या 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, मोस्टली हमारे घर में जो वेजिटेबल बनती है जैसे पोटैटो हो गए तो, और कोई भी वेजिटेबल होगी या राइस वाटर होगा या जो दालें होती है उसका पानी हो गया, वो मैं इनके अंदर डालती हूँ, जिसकी वजह से ये ग्रोथ मुझे ज़्यादा देखने को मिली है। मोस्ट मुझे लग रहा है कि हमें DAP से नहीं मिला है, मुझे ये जो मैं ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ अपने पौधे में, उसकी वजह से मुझे ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। तो दोस्तों, आप भी जो आपके घरों में जो लिक्विड वेजिटेबल जो वेजिटेबल्स होती है उसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, वही आप अपने प्लांट को दें, तो आप उसकी ग्रोथ देख सकते हो कितनी अच्छी ले सकते हो आप अपने फ्लावर की। तो मैं तो यही डालती हूँ, और मैं आपको और भी फ्लावर दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में किस तरह से खिले हुए हैं। ये तो हमारा रह गया कैलांचो की बात, कि कैलांचो हमारा कितना अच्छा खिला हुआ है और इसके जो फ्लावर है वो कितने अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो एक राउंड में आपको और दिखाती हूँ अपने पौधों का। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, ये है मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल, जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। और साथ ही साथ इसमें जो DAP मैंने इसमें नहीं डाली है, सॉरी, जो इसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट अभी कुछ दिन पहले डाली थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी दोस्तों, तब ये कैसा था, और अब आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये दोस्तों हमारा शेमी शेड में चलने वाला पौधा है, इसको आप शेमी शेड में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपका जो पौधा है ख़राब हो जाएगा, आपकी इसकी लीव जो बर्न हो जाएगी, और जो ये नए नए जो आपको मिल रहे हैं ना, अभी नए नए फ्लावर मिल रहे हैं देखने को, ये भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये पता क्या हो जाता है, इसकी जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा प्लांट जो ये यहाँ से इसकी स्टेम
टूट जाती है नीचे को, तो हमारा जो पूरा है, जैसे ये आप देख सकते हैं छोटी सी यहाँ पे निकली हुई है, कैसी झुकी हुई है। तो अभी इसको पानी देने की हो रखा है, देख सकते हो आप इसकी जो मिट्टी देखो ड्राई हो रखी है, देख रहे होगा आपको बिल्कुल ड्राई हो रखी है। तो अब ये पौधा कह रहा है कि हमें पानी दो, तो पानी हमें आप चाहे लिक्विड फर्टिलाइजर भी इसके अंदर डाल सकते हैं जो हमारा होता है, और आप चाहे नॉर्मल वाटर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है कि ये शेमी शेड में चलने वाले पौधे। ये दोस्तों इन सब में जो भी मैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर देती थी ये उसी का ही कमाल है, लेकिन इस टाइम इनमें पानी देने को रखा है, देख सकते हो आप इस तरह से। तो मैं ऐसे ही अपने जो प्लांट को देती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका वजन इतना ज़्यादा हो गया कि ये पौधा भी मेरा यहाँ से, ये जो इसकी जो बर्ड्स है बहुत सारी, ये मेरी ब्रांच यहाँ से टूट गई हुई है नीचे को। बस ऐसे ही है, थोड़े टाइम बाद मैं इसको निकाल दूंगी, बट बहुत दुख हो रहा है, इतने सारे फूल है इसके अंदर, उसके बावजूद भी ये देखो गिर गया। और अभी इसमें बर्ड्स नीचे बनी हुई है ऑलरेडी, देखो अभी ये खिली भी नहीं है और इसमें और आ भी रही है देखो इतनी सारी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।